हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, अमेजिंग प्रिया से आज मैं आप लोगों के लिए साबूदाना की टिक्की लेके आई हूँ। ये सब सारी चीज़ें मैंने नवरात्रि में ही बनाई थी, बट मैं शेयर नहीं कर पाई। मैंने पहले ही बोला था, मैंने बहुत सारी चीज़ें नवरात्र में फलाहारी के रूप में बनाया था, तो मैं कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मेरे पास सारी क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर कर दूं, और अगले फास्ट या नवरात्रि में ये सब चीज़ें हमारे काम आएगी। और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ऐसा, अगर हम नवरात्रि के व्रत में या किसी भी फास्ट में हम अगर खाते हैं तो बहुत अच्छी हमारी सेहत भी रहती है और बहुत अच्छा हेल्दी है और फ़ायदेमंद भी है। तो ये सब चीज़ें हमें फास्ट में खाना चाहिए। और यहाँ पर मम्मी हैं और मम्मी बना रही हैं, और मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप बना दो और मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगी मम्मी को रिकॉर्डिंग करना ढंग से नहीं आता, तो इसलिए मैं मम्मी से बोला मम्मी आप इसको मैश करो और मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी। तो मम्मी यहाँ पे मैश कर रही हैं और मैंने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे साबूदाना को मैंने अच्छे से धो के भिगो के रखा हुआ था, पहले 1 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। फिर आलू मैंने बॉयल किया था, और आलू और साबूदाने को दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैंने उसमें हरी मिर्च कटी हुई और हरी धनिया कटी हुई मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है, और सेंधा नमक, व्रत वाला नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे टिक्की बना के मैं कढ़ाई में ऑयल मैंने डाल ही दिया था, आप लोगों को सामने आपने देखा ही, और तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं टिक्की डाल दूँगी। और अभी मैं सारी टिक्कियाँ बना के रख रही हूँ, मम्मी हैं और मैं भी हूँ और बना के रख रही हूँ। और जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं तेल में फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली है, और यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, अब मम्मी छान रही हैं। मम्मी ने बोला मैं तल दूँगी, तो मम्मी तलने के लिए खड़ी हैं और सारी टिक्कियाँ मम्मी तल रही हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, जैसे कि मैंने बोला मैं रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में, वीडियो शूट करने के चक्कर में मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप तल दो और मैं वीडियो शूट कर लूँगी, तो मम्मी तल रही हैं। ज़्यादा था नहीं, बस थोड़ा सा ही बनाना था, तो मम्मी ने बोला चलो मैं तल दूँगी और तुम बना लो वीडियो, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने लगी। और मम्मी तल रही हैं, यहाँ पे देखो ब्राउन हो गया है मेरी टिक्की जो है, ब्राउन हो गई, तो उसको मम्मी पलट रही हैं दोनों तरफ। इसी तरह हम पलट के ब्राउन करके, मतलब अच्छे से फ्राई, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगा ना, तब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी साबूदाने की टिक्की फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं, खुद ही देख लीजिए आप। तो पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। और यहाँ पे टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है, और उसके बाद हम दूसरी टिक्की यहाँ पे मम्मी डाल रही हैं फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे जो टिक्कियाँ हैं ना, वो सब फ्राई हो चुकी हैं, और दोबारा से जो पड़ी हुई थी ना बना के, पहले से हमने रख लिया था, तो वो मम्मी फ्राई कर रही हैं। और ये तीनों फ्राई हो चुकी है, ब्राउन हो चुका, कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा प्यारा कलर आया हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। और बहुत ही क्रिस्पी होता, बहुत ही टेस्टी होता है, जैसे कि मैंने बोला व्रत में बहुत ही हेल्दी होता है, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए। व्रत में इससे हमारी सेहत भी नहीं गिरती और काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो ज़रूर खाना चाहिए। और आई होप आप लोगों को के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके तभी जाना और फुल वीडियो वॉच करना। और जो भी न्यू हो मेरे चैनल पे, जो न्यू हो तो नीचे दी गई हुई बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगी तो आप मेरी वीडियो वॉच कर पाएंगे। और यहाँ पे मम्मी टिक्की फ्राई कर रही हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट वीडियो शूटिंग करने के, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में मैंने मम्मी से फ्राई करवाया टिक्की, और मैंने रिकॉर्डिंग किया, बस इसीलिए मम्मी फ्राई कर रही हैं, और नहीं तो मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं चाय रख दी हूँ, और चाय यहाँ पे मेरा बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने, और यहाँ पे टिक्की भी फ्राई हो चुकी है, चाय भी मेरी बन रही है। और यहाँ पे टिक्की मेरी सारी बन के रेडी हो चुकी है, और आप लोग खुद ही देख लीजिए कितनी अच्छी टिक्की बनी है। यहाँ पे चाय जो है बॉयल हो रहा है, और अच्छे से अभी उबाल शुरू हो रहा है, और यहाँ पे टिक्की बन गई, चाय भी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे टिक्की और चाय रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए टिक्की निकाल दिया है, और मेरे लिए मैंने
निकाल दिया है। और यहाँ पे दादी है मेरी, दादी सास हैं ये, और मैंने उनकी क्लिप, वो अभी तो गांव में हैं बट उनकी क्लिप मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने शेयर कर दी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके तभी जाना। बाय बाय।